श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। 30 मार्च दिन शनिवार रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। जी हाँ, होली के ठीक 5 दिन बाद जो है, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ती है, तब हम रंग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। रंग पंचमी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता धरती पर रंगों का त्योहार मनाते हैं, यानी कि पूरे देवी देवता जो है इस दिन धरती पर आते हैं और रंगों के साथ जो है वो होली मनाते हैं। तो इसलिए रंग पंचमी का जो महत्व है ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन पूरे देवी देवता जो हैं वो होली का त्योहार मनाते हैं। इस साल जो है रंग पंचमी की जो शुरुआत हो रही है ये 29 मार्च को रात के 8:20 पर हो जाएगी, जिसका समापन जो है 30 मार्च को रात के 9:13 को रहेगा। इसके चलते 30 मार्च को ही रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। और जो रंग पंचमी का त्योहार है, इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, तो उसका भी हमें बहुत ही विशेष फल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको 2 अचूक उपाय बताने वाली हूँ। एक उपाय, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो थोड़े से गुलाल के साथ हमने ये उपाय करना है। और अगर पति पत्नी में प्रेम की कमी है, यानी कि दाम्पत्य सुख में कमी है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। बहुत ही ज्यादा सरल उपाय है, पूरे वर्ष में केवल ये हमें एक मौका मिलता है। इस मौके को ना गवाइएगा, अच्छे से उपाय को समझिएगा और रंग पंचमी के दिन इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं के साथ होली खेलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, ये 30 मार्च को सुबह 7:46 से लेकर 9:19 तक रहेगा। तो अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है या फिर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही, तो आपने इस दिन क्या करना है, आपने थोड़ा सा लाल रंग का गुलाल लेना है। जी हाँ, लाल रंग का गुलाल लीजिए या फिर लाल रंग के आपने थोड़े से फूल भी लेने हैं, क्योंकि इस दिन जो है भगवान फूलों के साथ भी होली खेलते हैं। तो आपने क्या करना है, लाल रंग के फूल और लाल रंग का गुलाल लेकर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपने जाना है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में। वहां पर जाकर आपने फूलों की बारिश करनी है भगवान के ऊपर, माँ लक्ष्मी के ऊपर, और थोड़ा सा जो अबीर गुलाल आप लाल रंग का लेकर गए हैं वो भी आपने भगवान को लगाना है। अगर अपने हाथों से लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे हम फूल जो है भगवान को चढ़ाते हैं, ऐसे ही आपने गुलाल चढ़ाना है और अपनी मनोकामना करनी है। ऐसा करने से जो है हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और सुख समृद्धि बरकत जो है बनी रहती है, और माँ लक्ष्मी इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और थोड़ा सा गुलाल जो है आप आसमान की तरफ उड़ाएंगे तो ऐसा करने से भी हमारे घर में सुख संपदा में वृद्धि होती है। और दूसरा उपाय, अगर आपकी जो है दाम्पत्य लाइफ ठीक नहीं चल रही, पति पत्नी में प्रेम की कमी है, तो थोड़ा सा पीले रंग का गुलाल लेना है। जी हाँ, पीले रंग का गुलाल लीजिए, पीले रंग के फूल लीजिए, और आपने राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर वहां पर आपने पीले रंग के गुलाल, पीले रंग के फूलों की बारिश करनी है। माँ जो है आपने राधा कृष्ण भगवान की तरफ गुलाल जो है फेंकना है, उन्हें अपने हाथों से लगाना है, और वहीं से थोड़ा सा गुलाल लेकर पति पत्नी दोनों अपने मुख पे लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और आपके घर में हमेशा खुशियां खुशियां बनी रहेगी। तो इसीलिए रंग पंचमी के दिन फूलों के साथ और गुलाल के साथ जो है होली अवश्य खेलिए। इसी दिन देवी देवता भी होली खेलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इस दिन का महत्व है। पूरे वर्ष में केवल एक मौका मिलता है, अवश्य इन उपायों को करें और इसका लाभ हासिल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।